कमर छठ का पर्व माताओं का संतान के लिए किया जाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य की अनूठी संस्कृति का ऐसा पर्व है जिसे हर वर्ग हर जाति में बहुत ही सद्भावना से मनाया जाता है। हल षष्ठी को हल छठ, कमर छठ व खमर छठ भी कहा जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। संतान प्राप्ति व उसकी दीर्घायु सुखमय जीवन की कामना रखकर माताएं इस व्रत को रखती हैं। इस दिन माताएं सुबह से ही महुआ पेड़ की डाली का दातुन कर स्नान कर यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। संतान प्राप्ति व उसकी दीर्घायु सुखमय जीवन की कामना रखकर माताएं इस व्रत को रखती हैं। इस दिन माताएं सुबह से ही महुआ पेड़ की डाली का दातुन कर स्नान कर व्रत धारण करती है, भैंस के दूध की चाय पीती है तथा दोपहर के बाद घर के आंगन में मंदिर देवालय या गांव के चौपाल आदि में बनावटी तालाब सगरी बनाकर उसमें जल भरती हैं। सगरी का जल जीवन का प्रतीक है। तलाश के पार में बेर, पलाश, गुलर आदि पेड़ों की टहनियां तथा काशी के फूल को लगाकर सजाते हैं। सामने एक चौकी या पाटे पर गौरी शंकर कलश रखकर हर षष्ठी देवी की मूर्ति भैंस के घी में सिंदूर से मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। साड़ी आदि सुहाग की सामग्री भी चढ़ाते हैं तथा हर षष्ठी माता के 6 कहानियों को कथा के रूप में श्रवण करते हैं। इस पूजा की सामग्री में विशेष पसर चावल, जो कि बिना हल जुते हुए जमीन से उगा हुआ धान होता है, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस के दूध, दही व घी आदि रखते हैं। बच्चों के खिलौने जैसे भौरा, बाटी आदि भी रखा जाता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी को भी सगरी में रखकर पूजा करते हैं, क्योंकि गेड़ी का स्वरूप पूर्णतः हल से मिलता जुलता है तथा बच्चों के ही उपयोग का है। क्यों करते हैं ये पूजा महिलाएं? ये बच्चे की दीर्घायु के लिए, अच्छे कामना के लिए, उन लोगों के लिए, बच्चों लोग के लिए किया जाता है ये पूजा। कैसे कैसे किया आज आपने पूजा, किस विधि में किया? हम लोग पूरे विधि विधान से पूजा किए हैं। आज का पूजा जो होता है ये हमेशा विधि विधान से ही होता है। और सबसे पहले हम लोग एक घघरी लिए, मतलब जो सगरी जैसे बनाते हैं उसको, और उसमें एक क्या बोलते कांसी का फूल लगाए, उसका पूजा पाठ किए। फिर उसके बाद पूरा अपना जो जो चढ़ाना है, जैसे दूध है, केला है, दही है, और सेब, अनार, 5-6 प्रकार का फल और चावल है, और क्या बोलते 6 प्रकार की भाजी है, वो सब हम लोग चढ़ाएं। अब आप लोग ने अभी सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं, अभी हाँ, अभी हम लोग व्रत में हैं और हम लोग आज दिन भर व्रत ही रखते हैं, सुबह से नहीं खाए। पूजा करने के बाद इसका मतलब उपास तोड़ते हैं। भोजन में क्या लेंगे आप? भोजन में हम लोग वही चावल लेंगे, पसर का चावल, और क्या बोलते हैं 6 प्रकार की जो भाजी है वो, और दही, दूध, घी, ये सब खाते हैं। छठ में आपने पूजा किया, कैसा लग रहा है आपके मन को? कमर छठ का पूजा करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों का, हम जो हमारे बच्चों के लिए उपवास रखे हैं वो हमारा सफल हो गया। किस टाइप से आपने पूजा किया आज? मैंने पहले भगवान की स्थापना की, उसके बाद उनको पूजा करने के लिए रोरी, चंदन, दूध, दही, इसमें भैंस का दूध इस्तेमाल किया जाता है, भैंस का ही दूध, घी और दही, सारा चीज़ भैंस का ही इस्तेमाल होता है इसमें। आज के दिन गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इसमें लाल, ये पूजा में फल चढ़ाए जाते हैं, मिट्टी की चुकिया चढ़ाई जाती है जिसे बच्चे को खिलौने के प्रतीक में चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये पूजा बच्चों के लिए ही की जाती है। बच्चों की लंबी उम्र, उनकी समृद्धि, खुशहाली, इन सब के लिए ही रखा जाता है। कितने साल से आप ये व्रत रख रही हैं? मैं 4 साल से ये व्रत रख रही हूँ। इस व्रत के बारे में पौराणिक कथा यह है कि वासुदेव देवकी के 6 बेटों को एक एक कर कंस ने कारागार में मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद ने देवकी को हर षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। 7वें संतान का जन्म समय जानकर भगवान कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि माता देवकी के इस गर्भस्थ शिशु को खींचकर वसुदेव की बड़ी रानी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा देना, जो इस समय गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ रह रही है, तथा तुम स्वयं माता यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। योग माया ने भगवान के आदेश का पालन किया, जिससे देवकी के गर्भ से संकर्षण होकर रोहिणी के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान ने बलराम के रूप में जन्म लिया। इसके बाद देवकी के 8वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हुए। इस तरह हर षष्ठी देवी के व्रत पूजन से देवकी के दोनों संतानों की रक्षा हुई। हर षष्ठी का पर्व भगवान कृष्ण व भैया बलराम से संबंधित है। हल से कृषि कार्य किया जाता है तथा बलराम जी का प्रमुख अस्त्र भी है। बलदाऊ भैया कृषि कर्म को महत्व देते थे।
वहीं भगवान कृष्ण गोपालन को। इसलिए इस व्रत में हल से जुते हुए जगाओं का कोई भी अन्न आदि व गौ माता के दूध दही घी आदि का उपयोग वर्जित है तथा हल षष्ठी व जन्माष्टमी एक दिन के अंतराल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन उपवास रखने वाली माताएं हल चले वाले जगहों पर भी नहीं जाती हैं। इस व्रत में पूजन के बाद माताएं अपने संतान के पीठ वाले भाग में कमर के पास पोता अर्थात नए कपड़े का टुकड़ा जिसमें हल्दी से भिगोया हुआ होता है मारकर अपने अंचल से पोछती हैं, जो कि माता के द्वारा दिया गया रक्षा कवच का प्रतीक है। पूजन के बाद व्रत करने वाली माताएं जब प्रसाद भोजन के लिए बैठती हैं तो उनके भोज्य पदार्थ में पसहड़ चावल का भात, छह प्रकार के भाजी की सब्जी, मुनगा, कद्दू, सेमी, तोरई, करेला, मिर्ची आदि, भैंस के दूध दही व घी, सेंधा नमक, महुआ के पेड़ के पत्ते का दोना, पत्तल व लकड़ी को चम्मच के रूप में उपयोग किया जाता है। बच्चों को प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना हुआ महुआ तथा चना, गेहूं, अरहर आदि छह प्रकार के अन्नों को मिलाकर बांधा जाता है। इस व्रत पूजन में छह की संख्या का बड़ा महत्व है। जैसे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का छठवां दिन छह प्रकार की भाजी, छह प्रकार के खिलौने, छह प्रकार के अन्न वाला प्रसाद तथा छह कहानी की कथा। कमछठ के दिन हम लोग बच्चों को चुकिया बांटते हैं, इसमें लाई, महुआ, खमार, चना और गेहूं का फूटा हुआ डाल के बांटते हैं छह प्रकार का। इसकी पूजा की विधि क्या है? इसकी पूजा की विधि है अपने ये कांसी फूल को एक सगरी बना के उसमें लगाते हैं और गणेश जी बनाते हैं गोबर का, भैंस के गोबर का, और दिया दीपक जला के पूजा करते हैं सब सुहागली औरत, और उसमें सेब, केला, खीरा, नारियल, जितने प्रकार का फल है, अमरस है, जो भी है अपन सब चढ़ाते हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर। आपने इस पूजा से अपने बच्चों के लिए क्या मांगा? इसमें अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना की है और सुख शांति से रहे हमेशा, बस यही कामना है। समर्थक कहाँ पर मनाते हैं? बाल बच्चा के लिए। कितना साल से व्रत रखा था? 70 साल। कैसे पूजा होते है कर? पूजा कैसे करते हैं? पूजा फूल के नाम नहीं ले, फूल खोज के और गणेश जी मढ़ा के पूजा करते हैं। चावल, रोड़ी, गुलाल, सिंदूर, फूल, पान, कमल के फूल, ये सब जरूरी है। बाल बच्चा के लिए उपासन चुकिया लिए, दही, भैंस के घी, दही, पसार, चावल, दूध, चटनी, भाजी, सब भोजन करते हैं। उपास रेशम बाल बच्चा, एक लेडीज के न छह बच्चा नहीं रही से लिए वो उपास रही, और उपास रही के सातवा के जारी खूब नियम से चली, जैसे जैसे दीदी में हैं वैसे अगर बच्चा रही खूब खुशी मनाई। हम भी 90 साल के उम्र हो गए और 70 साल हो गए उपास रहा, घर में आनंद लग से पूजा पाठ करो। तो हम लोग लाल चावल बनाते हैं, छह प्रकार की भाजी रहती है, भैंसी का ही दही, दूध, घी सब रहता है, ये इस प्रकार है। देखिए पूजा करके अपन ये सब खाते हैं पत्तल में। पूजा कर लिए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी बच्चों के लिए, अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए पूजा किए हैं, खुश रहे, हमेशा आबाद रहे, यही चाहेंगे। For more information, log on to www.clips.in.